बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं आपको लाहौरी फिश फ्राई की रेसिपी देती हूँ। इसके लिए मैंने ली है आधा किलो फिश, ये फिश फिले हैं, ये आधा किलो। जो आपको फिश पसंद है या आप समझती हैं कि तलने के लिए अच्छी है वो आप ले लें। और इसमें इनमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये आधा किलो फिश के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको बताती हूँ। आधा लेमन फ्रेश उसका जूस निकाल लेना है, और एक चमची धनिया और क्रश है, और एक चमची ज़ीरा है, और एक टेबलस्पून जो है ना, एक चमचा वो क्रश सुरख मिर्चे हैं, दो अंडे, दो टेबलस्पून जो है दो चमचे बेसन, एक चमचा मैदा, और इसमें हल्दी चौथाई चमची, सुरख मिर्च हाफ टी स्पून, नमक सुरख मिर्च आधी चमची होगी, नमक एक चमची होगी, और जी अजवाइन है ये चौथाई चमची, और तीन अदरक सब्ज़ मिर्चें, कुछ थोड़ा सा धनिया चंद पत्ते, और एक आधी इंच का अदरक का पीस, और तीन अदरक जवे लहसुन के। अब मैं आपको बताती हूँ इनको सारों को कैसे मिक्स करना है। ये लेमन जूस मैं ताज़ा निकाल लूँ तो उसमें डालने के लिए। ये लेमन जूस सारा हाफ का मैंने निकाल लिया, हाफ लेमन जूस ये इसके। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसके साथ और चीज़ों के साथ क्या करना है। ये अब मैं इसमें पहले लेमन जूस डालूंगी, ये हाफ है जो मैंने इसमें डाला है। हाफ किलो फिश है उसके लिए हाफ लेमन ही चाहिए, और उसके लिए ये नमक मिर्च और हल्दी और अजवाइन ये भी इसमें डाल देना, ये सब चीज़ें, अदरक लहसुन सब्ज धनिया और सब्ज मिर्च ये भी इसमें डाल देना है। इसमें बेसन दो चमचे, मैदा एक चमचा, और ये अंडे ये दो अदद है। अगर आपने एक किलो फिश बनानी तो उसके लिए प्लीज तीन अंडे, चार नहीं इस्तेमाल करें। इसके लिए मैंने हाफ के लिए जो हाफ के जी है उसके लिए मैंने दो लिए हैं, लेकिन अगर आप एक किलो फिश लें उसके लिए तीन अंडे, चार नहीं डालें, क्योंकि ये भी बहुत होते हैं काफी। इन सबको मैं शेक करती हूँ। ये सब चीजों को इकट्ठा शेक कर लें तो वो बेस्ट है कि आप अलग-अलग चीजों को ग्राइंड करें और चॉप करें, और ये सब चीजें, क्योंकि इसमें सारी इकट्ठी जा रही है। ये देखें, ये सब मैंने फिश में डाल दिया। और उसके साथ ये जो चीजें हैं ये बाद में डालनी है, क्रश अदरक, क्रश जो है सॉरी क्रश सूखा धनिया और क्रश जीरा, और ये क्रश मिर्च। अब मैं इन सबको लगा के अब रख देती हूँ, एक मिनट लगाती हूँ, मैं आपको बताती हूँ इसको अच्छी तरह लगा के। और इसको कम से कम 5 घंटे आपने फ्रिज में रखना है। अगर ओवरनाइट लगा लें ये तो बहुत ही अच्छा है, बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी है, और ये बहुत मशहूर एक जगह की है ये रेसिपी लाहौर की। इसको अगर आप जिप पैक में डाल के रखें लिफाफे में तो ये सबसे बेस्ट रहती है। अगर नॉर्मल डिश इसी डिश में कर दें, जैसे जिसमें आप बनाना चाहें वो आपकी मर्जी है। ये देखें ये अब हो गया, बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब मैं इसको 5 घंटे के लिए फ्रिज में रखूंगी, लेकिन मैंने एक तैयार करके रखी है वो मैं आपको तल के दिखा देती हूँ। मैंने 5-6 घंटे बल्कि उसको ज्यादा ही दिए, 7-1 घंटे मैंने उसको पहले लगा के मसाला वगैरह उसको रख दिया था, तो अब मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये अब तैयार हो चुकी है, लीजिए मैंने आपको बताया, मैंने 5-6-7 घंटे इसको ये लगा के इसको मसाला रखा हुआ था, और ये देखें सब मसाला अच्छी तरह अंदर आ चुका है। ये देखें ये, अब मैं इसमें तेल डालूंगी। हमेशा फिश को शैलो फ्राई करना चाहिए, बहुत ज्यादा डीप फ्राई नहीं। ये देखें बस, ये देखें
तेल थोड़ा सा गर्म है ना, ज्यादा गर्म में ना डालेंगे, ऊपर से जल जाएगी और अंदर से वो फिर कच्ची रह जाएगी। डीप फ्राई नहीं करना चाहिए फिश को कभी भी, क्योंकि हम लोग घर में जो बना रहे हैं तो उसका डीप फ्राई का कोई मकसद ही नहीं है, शैलो फ्राई बिल्कुल सही रहती है। ये देखें अभी हो रही है, इसको हिलाना नहीं, थोड़ी देर और होने दें, फिर उसके बाद इसको, क्योंकि वो फिर वो सारा मसाला उतर जाता है अगर इसको जल्दी इसका साइज जो है पलट दें तो। वो ये देखें अब एक तरफ से हो गई है, हाँ हो गई है, अब ये दूसरी तरफ से इसका साइज अब चेंज कर सकते हैं। ये देखें बहुत ही मज़ेदार होता है, अगर इसको आप बस 5-6 घंटे इसका ज़रूर मसाला पहले लगा के रखें, बस ये ख्याल रखें। लीजिए फिश तैयार है, देखिए दोनों साइड बहुत अच्छे तरह रोस्ट हो गए हैं। अब इसको फ्राई कर लिया मैंने, अब मैं इसको निकाल, अब निकालने का टाइम है इसका। अब मैं आपको निकाल के सारी डिश आउट करके दिखाती हूँ। लीजिए लाहौरी फिश फ्राई तैयार है, आप इसको बना के देखें, बहुत ही टेस्टी है। और इसमें बस ये ख्याल रखें कि कम से कम 7 घंटे या कम से कम इसको 5 घंटे जरूर दें, लगा के मसाला रख दें, फ्रिज में रख दें और उसके बाद इसको मतलब तैयार कर लें। ये मैंने पहले लगा के रखा हुआ था, इसलिए मैंने आपके सामने दूसरी बनाई है और ये बना के रखा हुआ था, इसको 7 घंटे में रखा है। अगर आप ओवरनाइट कर लें तो वो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आप बनाएं और नमक मिर्चे जो है सब हर चीज मुकम्मल परफेक्ट है। अगर आपने मिर्चों की ज्यादा या नमक की ज्यादा थोड़ी और करनी तो कर लें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल के। और इंतहाई टेस्टी और क्रिस्पी फिश है, आपको बहुत पसंद आएगी और ये जब आप ट्राई करेंगे सबको बहुत पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज।